अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग होते हैं, उनको मैं नेता तो कहीं से नहीं कहूंगी, साफ इनकी बातचीत पे झलकता है कि ये लोग महिलाओं से डरते हैं। तो वो अपनी राजनीति जो वो कर रहे हैं उसको बचाने के लिए थोड़ी स्वच्छ और सूझी बूझी राजनीति करें, ये मेरा सुझाव है उनके लिए। वो महिला सशक्तिकरण का विरोधी है और वो महिलाओं को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का काम। मांगनी चाहिए अभियान, निश्चित रूप से माफी भी मांगनी चाहिए, लेकिन देखिए जो बयान उन्होंने कह दिया है उससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और इसको वो वापस तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि तीर से कमान से निकला हुआ तीर और बात जो बात की जाती है वो कभी वापस नहीं ली जाती, लेकिन निश्चित रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहाँ उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बयान दे दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत में गर्माहट जारी है। इसी बीच भाजपा के नेत्री श्रेयसी सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन जैसे नेताओं की वजह से महिलाओं को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज़ादी के इतने सालों के बाद जब महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचे हैं, तो इन लोग जैसे नेता महिलाओं को लेकर क्या क्या बयान देते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके की बात करते हैं। अपने बयान पर उनको जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग उनके बयान से काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं। जरा सुनिए श्रेयसी सिंह अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद क्या बोल रही हैं। कि ये जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग होते हैं, उनको मैं नेता तो कहीं से नहीं कहूँगी, साफ इनकी बातचीत पर झलकता है कि ये लोग महिलाओं से डरते हैं। उनको पता है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, और ये लोग जिस तरह की नीची राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उससे साफ झलकता है कि ये लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुझे लगता है कि अब राजनीति जो वो करते हैं, जिस तरह की करते हैं, जनता भी अब सोच समझ के वोट देती है, तो महिलाएं हैं वो भी राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो वोट देने के मकसद से हो, चाहे वो राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शन को लड़ने के बारे में हो। और ऐसी बातें कहीं भी जनता के बीच में ना तो ये एक्सेप्ट की जाती हैं और ना ही इससे उनको कोई फायदा हो। तो वो अपनी राजनीति जो वो कर रहे हैं उसको बचाने के लिए थोड़ी स्वच्छ और सूझी बूझी राजनीति करें, ये मेरा सुझाव है उनके लिए। निश्चित रूप से अगर मैं एक महिला हूँ और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि इस तरह की कोई भी बात महिला के खिलाफ करता है, वो महिला सशक्तिकरण का विरोधी है और वो महिलाओं को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का काम। मांगनी चाहिए अभियान, निश्चित रूप से माफी भी मांगनी चाहिए, लेकिन देखिए जो बयान उन्होंने कह दिया है उससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और इसको वो वापस तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि तीर से कमान से निकला हुआ तीर और बात जो बात की जाती है वो कभी वापस नहीं ली जाती, लेकिन निश्चित रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। यदि वो कहीं भी महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अपने जो स्पीच उन्होंने दिया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए। ये जो बिल था ये तो कितने साल से पेंडिंग था, आप लोग भी जानते हैं। ये तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नेतृत्व में सरकार चल रही है उस सरकार के तहत और उस सरकार की मंशा दिखती है कि किस तरह से वो महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, और इस वजह से ये बिल को लाया गया और स्वागत योग्य इस बिल को पास भी किया। मात्र दो ऐसे सिर्फ वोट थे जो इस बिल के फेवर में नहीं पड़े, बाकी ये तो सभी लोगों ने सहारा है इस कार्य को और सभी लोगों ने इसका साथ दिया है। तो कहीं भी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बल्कि सभी पार्टी के साथ इस बिल को पास किया गया है। साथ ही साथ जो बात आप कह रहे हैं कि ये INDA जो गठबंधन है उसके लिए उसका कहना है कि ये भाजपा की कोई चाल है कि महिला सशक्तिकरण को या महिला वोट को अपनी तरफ करने के लिए किया गया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले 11 ऐसी महिलाएं थी जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तब तो ये आलोचना किसी ने नहीं की। तो इसी तरीके से ये जो एक मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को हमेशा जिस पद पर वो है उस पद पर किस तरह से अच्छे तरीके से काम कर सकती है। राजनीति में सिर्फ किसी परिवार से आती है या किसी एक वर्ग से आती है, किसी समुदाय से आती है, सिर्फ इसके लिए उनकी उनका राजनीति में आना आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने सामर्थ्य से महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। विदेश की भी बात कीजिए, देश की भी बात कीजिए,
महिलाएं अपनी जगह रहकर अपने सामर्थ्य पे पॉलिटिकल में, स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, और इसी वजह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने। तो अभी आपने भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह को सुना है, वो जम्मू से भाजपा के टिकट पर विधायक हैं, वो किस तरीके से बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि ये जो बयान अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा दिया गया है वो महिलाओं के लिए अपमान भरी शब्द है। आखिर इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं, महिलाओं के बारे में इस तरीके की सोच क्यों रखे जाते हैं, महिलाओं भी तो पढ़ी लिखी और इस समाज को आगे बढ़ाने में कितना हिस्सेदारी निभा रही है, उसके बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ ये बयान दे देने से क्या महिलाओं को पीछे रखने की कोशिश नहीं हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनको जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बात तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन अब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने खुद सुना है किस तरीके से श्रेयसी सिंह ने मांग की है। आप अपनी राय क्या रखते हैं श्रेयसी सिंह के इस बयान के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।